वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ना है, या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 18 और 19 सॉल्व करके बताऊँगा। और जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024-25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024-25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 17 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स, उसमें सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों क्वेश्चंस ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। किसका केस है आपका? ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो पहले हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे पढ़ेंगे, सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि ए लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच टू द पब्लिक। मतलब जो ए लिमिटेड एक कंपनी है और वो कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहा है, 20,000, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है आपका 10 रुपया। किसको इशू कर रहा है? पब्लिक को। पेबल 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितना लेना है? 2 रुपया। 4 रुपया लेना है ऑन अलॉटमेंट एंड 4 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो 2 रुपया अप्लीकेशन पे, 2 रुपया अलॉटमेंट पे, 4 रुपया अलॉटमेंट पे और 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 4, 4, 8, 2, 10। ठीक है जी, अप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड कितना हो गया आपका 25,000 शेयर्स। यहाँ पे अप्लीकेशन लगता है दो बार लिखा गया है ना, एक ही बार समझिएगा। अप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड कितना 25,000 शेयर्स। आपने 20,000 शेयर्स क्या किया, इशूट किया, लेकिन एप्लीकेशन कंपनी के पास कितना गया 25,000 शेयर्स का। तो इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी जितना शेयर्स इशू करे अगर उसका उससे ज़्यादा शेयर्स का एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ठीक है जी, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह है कि जो आपका 20,000 शेयर्स इशू किया था, 25,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया, यानी 5,000 शेयर्स का पैसा ज़्यादा आ गया। अब कंपनी के पास दो विकल्प है। पहला कि वो क्या करे, 5,000 शेयर्स का पैसा जो एप्लीकेशन के साथ एक्सेस अमाउंट आ चुका है क्या करे, शेयर होल्डर को रिटर्न कर दे, पहला तरीका। या दूसरा है कि आने वाले कॉल के साथ जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन के साथ आया है उसको क्या करे, एडजस्ट करे। तो अब देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो एक्सेस अमाउंट आया उसको रिफंड करना है या आने वाले कॉल के साथ एडजस्ट करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन पढ़ के बोलता क्या है। पास द जर्नल इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट अमाउंट ड्यू वेयर रिसीव्ड एन एप्लीकेशन रुपीस कितना फॉर 5,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड एन एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न। वही बोलता है, यानी जो आपका 5,000 शेयर्स का पैसा ज्यादा आ गया है एप्लीकेशन के साथ उसको आप रिजेक्ट करके पूरा पैसा क्या करें, रिटर्न कर दें। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका पैसा रिटर्न करने वाला हुआ। और नीचे वाला 19 वाला क्या होगा, आने वाले कॉल के साथ क्या करेगा, एडजस्ट करेगा एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा जो आ चुका है। तो दोनों दिखाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखिए सोल्यूशन नंबर 18, जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। कोई भी जर्नल इंट्रीज पास करेंगे तो जर्नल के फॉर्मेट में विथ नरेशन के साथ। तो चलिए सबसे पहला एंट्री क्या करेगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव का। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या होगा जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपका, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहला होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, आपका 20,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन ही आया है, कितना 25,000। तो 25,000 और इंटू कितना हो गया 2, यानी 25,000 को 2 से गुणा करेंगे, टोटल पैसा कितना रिसीव हो गया एप्लीकेशन पे, 50,000। कितना 50,000, 50,000 क्या हुआ, रिसीव हुआ, जबकि होना कितना चाहिए था
20,000 into 2, 40,000, 40,000 ही एप्लीकेशन पे आना चाहिए था, आ कितना गया 50,000, तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 10,000, आना चाहिए था 40,000, आ गया 50,000, तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 10,000। अब कंपनी क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, रिफंड कर रहा है, क्या कर रहा है, रिफंड मतलब रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी। तो देखिए सिंपल सेंट्री मैं तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा। जब पैसा रिसीव किए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल एप्लीकेशन, राइट। अब पैसा क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो एंट्री क्या कर देंगे उल्टा, एंट्री क्या कर देंगे उल्टा। तो अगर पैसा रिटर्न करने का एंट्री देखा जाए तो क्या हो जाएगा जी, शेयर, शेयर एप्लीकेशन, क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिख देंगे हम लोग, बैंक अकाउंट जी, राइट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना रिटर्न कर दीजिए 10,000। तो 10,000 यहाँ भी कितना हो गया आपका 10,000, बात समझ रहे हैं ना। जब पैसा रिसीव किए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल एप्लीकेशन रिसीव करने का, और उसके बाद रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, एंट्री उल्टा कर दीजिए, तो सेल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना हो गया आपका 10,000, ये हो गया जी। अब जैसे एंट्री पास करते करते चले जाएंगे, अब ये जो सेल एप्लीकेशन का पैसा है वो सेल कैपिटल में क्या कीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या होगा आपका, शेयर, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब शेयर कैपिटल में कितना पैसा फाइनल रहेगा 40,000, कितना 40,000, कितना 40,000, 40,000 ना होगा जी। अब देखिए अब क्या होता है कि आप चाहे तो ये दोनों एंट्री को एक एंट्री भी करके बना सकते हैं, ये दोनों एंट्री जो मैंने इंडिविजुअली किया है आपको समझाने के लिए, ये दोनों को आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000, टू बैंक अकाउंट 10,000, टू शेयर कैपिटल 40,000, ये दोनों एंट्री को चाहें तो आप एक एंट्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मैंने इंडिविजुअली किया कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो हुआ क्या, आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव किए, अप्लीके एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर किए शेयर कैपिटल में, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कीजिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो क्या होगा आपका एंट्री, शेयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा शेयर, शेयर क्या होगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अलॉटमेंट पे कितना ले रहा है, 4 रुपया ना, तो 20,000 गुना 4 यानी कितना हो गया 80,000, कितना हो गया आपका 80,000, और यह भी कितना हो जाएगा मेरा 80,000, 80,000, बात समझ रहे हैं ना, 20,000 के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा, 20,000 गुना आपका कितना बोलता है 4, तो 80,000 हो गया जी। अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री हो गया, सब लिखिएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू रिलेशन के साथ। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव कीजिए तो क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू क्या होगा मेरा शेयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लीजिए कितना 80,000, और ये भी मेरा कितना हो जाएगा आपका 80,000, लिख दीजिएगा बिग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या कीजिए, ड्यू कीजिए, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो गया जी। क्या हो गया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा आपका 80,000, कितना है आपका, नहीं यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ना कितना है, चेक कीजिए कितना है आपका, आपका अलॉटमेंट है ना, इसमें भी 4 रुपया ही है तो 80,000 ही होगा, इसमें भी 4 रुपया ही है तो 20,000 गुना 4 कितना होगा आपका 80,000, तो 80,000 लिख दीजिए, तो लिख दीजिएगा बिंग आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू नरेशन में। अब रिसीव कीजिए, रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू हो जाएगा आपका टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है जी, बात समझ रहे हैं ना, ये किस चीज़ का एंट्री हुआ आपका,
सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करने का कितना हो गया आपका 80,000 का, कितना हो गया 80,000 का, ये भी कितना हो गया मेरा 80,000 का। तो बस थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान शुरू में ही देना था, थोड़ा सा आपको ध्यान क्या करना था शुरू में ही क्या करना था देना था, जो एप्लीकेशन मनी आया उसको क्या करना था रिटर्न करने वाला एंट्री पास करना था। आप चाहे तो सेकेंड और थर्ड एंट्री एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो फाइनली क्या हुआ, ये बन चुका है, अब क्या करें इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 50 से 10 60 हो गया ना, ये कितना हो गया 1,00,000, 1,00,000 हो गया, और 1, 2, 3, 4 तो 80 × 4 और प्लस कितना हो गया आपका 1,00,000, 4,20,000 टोटल जर्नल कितना आ गया आपका 4,20,000, और ये भी कितना आ गया आपका 4,20,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया तैयार हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करके बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है सरिता लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इज टू द पब्लिक, मतलब एक कंपनी है सरिता लिमिटेड जो 2000 शेयर्स इशू कर रहा है 100 रुपया वाला, ठीक है। उसके बाद बोलता है अप्लीकेशन पर कितना ले रहा है 20 रुपीज, अलॉटमेंट पर कितना ले रहा है 40 रुपीज, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना ले रहा है 40 रुपीज, तो 20, 40, 60 और 40, 100, ठीक है जी। अप्लीकेशंस वेयर रिसीव फॉर रुपीज कितना फॉर आपका 2500 शेयर्स, यानी 2000 शेयर्स क्या किया इशू किया, ठीक है जी, लेकिन अप्लीकेशन कितना आ गया 2500 शेयर्स का, यानी 500 शेयर्स का पैसा ज़्यादा आ गया। ये भी किसका केस है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का, किसका केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का, 2000 शेयर्स इशू किया लेकिन अप्लीकेशन कितने का आ गया 2500, तो 500 जो आपका एक्स्ट्रा अप्लीकेशन आ गया ये किस चीज़ का केस कहलाएगा आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब देखिए इसको क्या किया है, सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वॉज यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट, बात को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में जो सरप्लस अमाउंट था उसको क्या किया था रिटर्न किया था राइट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है कि जो सरप्लस अमाउंट आया है एप्लीकेशन के साथ उसको आपको रिटर्न नहीं करना है, आने वाले कॉल के साथ क्या करना है एडजस्ट करते चले जाना है, क्योंकि कंपनी के पास जनरली पैसा आता है ना वो आपको रिटर्न करना चाहता नहीं है, आने वाले कॉल के साथ क्या करेगा एडजस्ट करेगा। हाँ मान लेते कोई 100 शेयर्स का एप्लीकेशन दिया होगा तो उसको 80 दे देगा, वो बात की बात है, वो सबका जिक्र नहीं है, वो सब आने वाले जो क्वेश्चन होगा 21-22 वो समय मिलेगा। तो हम मान के चलेंगे कि जो एक्सेस अमाउंट आया है एप्लीकेशन के साथ वो आने वाले कॉल के साथ एडजस्ट करेगा, यानी कंपनी पैसा रिटर्न करने वाला नहीं है। तो इसका एंट्री क्या होगा देखिए एकदम क्या है, सिंपल है। सबसे पहले देखिए लिखा 19 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड, ये फॉर्मेट साहब बाकी है। तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री करेंगे, पहले क्या करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखिए कितना कंपनी के पास पैसा आया होगा, इशू तो किया था 2000 लेकिन एप्लीकेशन आ गया कितने का 2500, तो 2500 और गुना कितना हो गया 20 रुपया, एप्लीकेशन पे कितना है 20, यानी टोटल जिसके पास पैसा आ गया 50,000, कितना आ गया 50,000, एप्लीकेशन पे पैसा कितना आ गया 50,000, जबकि कायदे से कितना आना चाहिए था 20,000 × 2000 × 20, 40,000, लेकिन आ गया कितना 50,000। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, पैसा अगर रिटर्न करना था क्वेश्चन नंबर 18 में तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक रिटर्न कर दिए, लेकिन अब रिटर्न करने के लिए नहीं बोल रहा है, आने वाले कॉल के साथ एडजस्ट कर लीजिए अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। तो पहले एडजस्टमेंट का एंट्री देखिए क्या होगा, अब आपको जब सिंगल सिंगल करके बता रहे हैं, कंबाइंड अभी नहीं बताएंगे, सिंगल सिंगल के आपको समझने में आसान हो जाए, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, और ये सबसे पहले किसके साथ एडजस्ट करेगा अलॉटमेंट के साथ, किसके साथ अलॉटमेंट के साथ, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
क्योंकि एप्लीकेशन के बाद क्या आता है, अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट पे भी पूरा पैसा आपका सेटलमेंट नहीं होगा, अडजस्ट नहीं होगा, तो फर्स्ट कॉल के साथ करेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में अलॉटमेंट के साथ आपका अडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना करेगा आपका, कितना एक्सेस अमाउंट था आपका 500 शेयर्स का ना, तो 500 शेयर्स गुना कितना हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा 20, यानी 10,000। तो 10,000 जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ आया है, उसको अलॉटमेंट के साथ क्या किया, एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था ना, तो यहाँ पर डेबिट कर दिया, कितना से, 10,000 से। तो 50 में 10 चला गया, तो फाइनली एप्लीकेशन पे कितना रहा, 40, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब देखिए, ये जो आपका एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए, तो हो जाएगा एंट्री किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा आपका 40,000, कितना 40,000, 40,000 ना है जी मेरा, 50,000 जो लिए थे, 10,000 एक्स्ट्रा, वो किसके साथ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट के साथ। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, आप चाहें तो ये दोनों एंट्री को एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को चाहें तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एक साथ भी कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन में लिखिएगा 50,000, शेयर अलॉटमेंट में लिखिएगा कितना 10,000, और शेयर कैपिटल में कितना लिखिएगा 40,000। तो आप चाहें तो ये जो सेकंड और थर्ड एंट्री है, ये एक साथ भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझाने के लिए इंडिविजुअल लिखा हूँ कि आपको जल्दी बातें समझ में आ जाए। तो यहाँ तक हो गया जी। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कीजिए, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कीजिए, तो एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट, क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक किस का एंट्री हुआ अलॉटमेंट मनी ड्यू का। अब देखिए अलॉटमेंट पे कितना लेना था, तो 2000 है ना, 2000 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, 2000 गुना हो गया आपका 40, ठीक है, 80,000 आया, कितना आया 80,000, तो 80,000 यहाँ और 80,000 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, अलॉटमेंट मनी क्या कीजिए, रिसीव कीजिए, अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहीं पे अमाउंट पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अलॉटमेंट पे आपको कितना लेना है, 80,000, 80,000, जिसमें से 10,000 ऑलरेडी क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है, 10,000 ऑलरेडी एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसा लिया था, वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लिया, तो 80 मांगा तो 80 देगा क्या शेयर होल्डर, नहीं, कितना देगा, 70,000, क्योंकि 10,000 आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे ले लिया है, और उस पैसा को आपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया है, इसलिए यहाँ पर अब क्या होगा, 10,000 कम करके देगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे आपने क्या किया है, 10,000 रुपया ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अलॉटमेंट पे जब रिसीव होगा, तो आपका फाइनली 10,000 घटाने के बाद तो कितना होगा आपका, 70,000, यहीं पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब देखिए ये हो गया, आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कीजिए, आप फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कीजिए और उसको रिसीव कर लीजिए, क्वेश्चन बन गया, हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है देख लीजिए, 2000, और इस पर भी कितना लेना है, 40, अच्छा इस पर भी 40 ही लेना है, तो इस पर भी 80,000 ही होगा, कितना हो जाएगा आपका, 80,000, और ये भी कितना हो जाएगा आपका, 80,000, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर लीजिए और क्वेश्चन बन के तैयार, तो हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, मैं आपको सब कुछ सामने बना के दिखाऊंगा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीखना है तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बना बनाया कॉपी पे लाके समझाना नहीं ना है, सब कुछ आपके सामने बनाते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आपका हो गया शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना हो गया आपका देख लीजिए, 80,000, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, 80,000,
थाउजेंड, तो ड्यू किया, रिसीव किया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चंस बन के क्या हो गया आपका तैयार। अब सबको जोड़ना है तो जोड़ भी दीजिए, कितना हो जाएगा, पचास दस साठ, ये कितना हो जाएगा आपका एक लाख ना, एक लाख, और ये डेढ़ लाख हो गया है ना, अस्सी सत्तर डेढ़, तो हो गया एक लाख डेढ़ लाख, ढाई लाख, ढाई लाख, ढाई लाख प्लस अस्सी और प्लस अस्सी, चार लाख दस हज़ार, कितना हो गया आपका चार लाख दस हज़ार, और ये भी कितना हो जाएगा आपका चार लाख दस हज़ार। ठीक है, टोटल जर्नल जोड़ेंगे तो चार लाख दस हज़ार, चार लाख दस हज़ार। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चंस बनके क्या हो गया तैयार हो गया, एकदम सिंपल था। आप भी क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं, थैंक यू।